नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है सीएस के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। पूरी डिटेल्स अपन डिस्कस करेंगे, इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं जो कि स्टूडेंट को क्लियर करने पड़ेगा, और विद लेटेस्ट चेंजेस जो भी चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या हैं, मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इनकेस वीडियो पसंद भी नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपनी नाराजगी बताइएगा, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। जनरल सा क्या है बेटा, तीन लेवल बना रखे हैं कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने, जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंडक्ट करती है अपना सीएस लेवल का एग्जामिनेशंस, उन्होंने तीन लेवल बना रखे हैं, तीन टायर बना रखे हैं। तो यहां पर क्या है, फाउंडेशन है, सेकेंड एग्जीक्यूटिव है, थर्ड प्रोफेशनल है। सबसे पहले देखते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसपे अपने चार पेपर रख रखे हैं बेटा। पेपर फर्स्ट बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ 100 मार्क्स का, पेपर सेकंड बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप 100 मार्क्स, पेपर थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन 100 मार्क्स, एंड पेपर फोर्थ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100 मार्क्स, ठीक है। तो हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है, प्लस ये ध्यान में रखना है आपको, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे इंक्लूडेड फोर सेक्शन इज 200 क्वेश्चन आएंगे, फोर सेक्शन है आपके, 200 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट है नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर अपन कंपेयर करें सीए के साथ, सीए का जो फाउंडेशन लेवल का सीपीटी होता है वहां पर नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। सेकंड है, नेक्स्ट है तो आपका है 40% इन ईच पेपर, यू हैव टू गेट 40% एटलीस्ट हर पेपर में आपको 40% लाने पड़ते हैं, और 50% इन एग्रीगेट हर पेपर में या सब पेपर्स का टोटल जो है आपका वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए आप सीएस का पहला लेवल फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के लिए। पूरा क्लियर? तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सीए लाइन में नहीं जाना चाहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइन में नहीं जाना चाहता, थोड़ा सा अकाउंटिंग का पार्ट उनका स्ट्रांग नहीं है, या फिर उनको थोड़ा सा फोबिया है, डर है कि भाई सीए लाइन बहुत टफ होती है या उसमें पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उससे थोड़ा सा रिलेटिवली इजी पड़ता है अपन को सीएस की प्रिपरेशन करना और सीएस की तैयारी करना, ठीक है। तो ये था अपना फाउंडेशन प्रोग्राम की सारी डिटेल, जिसमें आपके चार पेपर्स आप क्लियर करने पड़ेंगे, चार पेपर्स के डिस्कशन कर अपन ने मार्क्स देखे, और मैंने ये भी बताया आपको कि 200 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस का या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चंस होगा आपका, और वहां पर क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एटलीस्ट 50% इन टोटल आपको गेन करने पड़ेंगे अगर आपको पहला स्टेज फाउंडेशंस को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये थी फाउंडेशन लेवल की डिटेल, अब बढ़ते हैं अपन एग्जीक्यूटिव लेवल की डिटेल या सेकंड स्टेज सीएस का, जो कि है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सेकंड स्टेज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, यहां पर बेटा दो ग्रुप है या दो मॉड्यूल बोल सकते हैं आपको, वो दोनों ग्रुप आपको क्लियर करने पड़ते हैं सक्सेसफुली। पहला ग्रुप की बात करें अपन, पहले ग्रुप में आपके चार पेपर है, सेकंड ग्रुप में आपके चार पेपर है। पहला पेपर देखते हैं वो है जुरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशंस एंड जनरल लॉज का, पेपर सेकंड है आपका कंपनी लॉ, पेपर थर्ड है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, फोर्थ पेपर टैक्स लॉस का होता है, पेपर नंबर फिफ्थ कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर सिक्स सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट, पेपर सेवन्थ इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, पेपर नंबर एट फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये थे आपके दो मॉड्यूल या दो ग्रुप जो कि आपको सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में सक्सेसफुली क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं उनको ये स्टेज क्लियर करने के बाद, ये अपनी सेकंड स्टेज जो कि अपनी है एग्जीक्यूटिव की स्टेज या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को क्लियर करने के बाद, जो अपना फाइनल है दैट मींस सीएस का जो अपना प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है, उसमें कितने स्टेजेस हैं उसकी डिटेल आप देखते हैं। देखते हैं अपन थर्ड स्टेज की तरफ जो है अपना प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्रोग्राम अगेन यहाँ पर बेटा मॉड्यूल थ्री हैं, तीन ग्रुप हैं जो कि आपको क्लियर करने पड़ते हैं विद लेटेस्ट चेंजेस, ठीक है। 2017 में ये लेटेस्ट चेंजेस इंप्लीमेंट हुए थे, जिसपे आपका क्या हो गया है मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, मॉड्यूल थ्री और पेपर नंबर 9 में आपके इलेक्टिव पेपर आ गए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला देखिए मॉड्यूल वन आपको पेपर वन गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लाइंसेज एंड एथिक्स है, सेकेंड पेपर आपका एडवांस टैक्स लॉस का होगा, पेपर थर्ड ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। मॉड्यूल सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, आपको हर जो मॉड्यूल है हर ग्रुप है वो क्लियर करना पड़ेगा बेटा अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं। ये लास्ट स्टेज है और सबसे टिपिकल स्टेज है अपना सीएस प्रोग्राम की, अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो आप एक सीएस बन जाते हैं, ठीक है। पेपर नंबर फोर्थ सेक्रेटेरियल
ऑडिट, पेपर नंबर 5 कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, पेपर नंबर 6 रेजोल्यूशंस ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। मॉड्यूल 3 में आते हैं फिर अपन, जैसे ही आपने मॉड्यूल 2 क्लियर कर लिया फिर मॉड्यूल 3 में आएंगे अपन। पेपर 7 देखेंगे अपन जिसमें अपना कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस है। पेपर नंबर 8 मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज है अपना। पेपर नंबर 9 इलेक्टिव्स 1 out of 8, दैट मीन्स आपके पेपर नंबर 9 में 8 ऑप्शंस हैं, ये 8 ऑप्शंस लिख रखे हैं, इनमें से कोई एक आपको अपना इलेक्टिव या ऑप्शन सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा क्या चेंजेस है यहाँ पर, ये जो आपका पेपर 9 इलेक्टिव होगा वो क्या होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा। दैट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज या बुक्स वगैरह ले जा सकते हैं, उसमें से आप कॉपी कर सकते हैं या देख के आंसर लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो CS ऑर्गेनाइजेशन लाई है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो आपको इन ये जो 8 पेपर है इनमें से एक इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी अपनी प्रोफेशनल प्रोग्राम की डिटेल्स, जहाँ पर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 CS ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट करे हैं। आपको तीनों मॉड्यूल क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपको CS में या आपको सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी का। आई होप करता हूँ आज तीनों लेवल, तीनों स्टेजेस आपको क्लियर हो गई हों, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, मेरा इंटरेस्ट लेवल इन सब्जेक्ट्स में है या नहीं है, ठीक है। अपन ने फाउंडेशन लेवल की बात करी, अपन ने एग्जीक्यूटिव लेवल की बात करी और अपन ने आखिरी में देखा कि अपन प्रोफेशनल प्रोग्राम में कौन कौन से मॉड्यूल हैं, तीनों ग्रुप अपन को कैसे क्लियर करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।